आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। मध्य प्रदेश के मुरैना जिला मुख्यालय के स्टेशन रोड थाना इलाके में रहने वाले 10वीं के छात्र को अज्ञात बदमाशों ने अपहरण कर लिया। पुलिस ने छात्र की तलाश के लिए टीम गठित की है, जो उसकी तलाश में जुटी हुई है। वहीं एसपी ने आरोपियों के खिलाफ 10,000 का इनाम घोषित कर दिया है। दरअसल स्टेशन रोड थाना इलाके स्थित बड़ाखेर में रहने वाला विकास राठौर, उम्र 16 साल, 27 अक्टूबर से लापता है। विकास के लापता होने की सूचना तो स्टेशन रोड थाने पर दे दी गई थी, लेकिन पुलिस इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितना लेना चाहिए। यही कारण रहा कि बालक का अपहरण हुए 20 दिन हो गए हैं और उसका कोई भी सुराग नहीं लगाया जा सका। जब कुछ दिन पहले विकास के पिता के मोबाइल पर जब फिरौती का फोन आया, तो यह बात पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में आई, तब उनके कान खड़े हुए और उन्होंने अपहरण का पता लगाने के लिए अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। बताया जाता है कि विकास राठौर की रिहाई में 4 थाना प्रभारी पिछले कुछ दिन से लगे हुए हैं। हालांकि पुलिस के अधिकारी अभी तक अपहरण की वारदात को ही नकार रहे हैं, लेकिन अब पुलिस अधिकारी विकास राठौर के अपहरण होने की बात न केवल स्वीकार रहे हैं, बल्कि उसे जल्द मुक्त कराने का दावा भी कर रहे हैं। यही बड़ों करवाली माता के पास बिहार का लोग मेरा कोचिंग पढ़ने गया था, कहां रोड पर जाता है, किस जो प्रदीप सर है इंग्लिश वाले, किस इंग्लिश की पढ़ता था, कौन से बिहारी कॉन्वेंट स्कूल में, बिहारी कॉन्वेंट स्कूल, तब से लौट के नहीं आया। घर से 1:30 बजे निकला था, 2 बजे से 5 बजे तक कोचिंग पड़ी 3 घंटे और 5 बजे के बाद से लापता है, पूरा लापता हुआ। अपहरण तो सब इतने दिनों से आया नहीं है, इस कारण से ऐसा नहीं किसी पर शक नहीं, तो क्या लग रहा होगा अपहरण हुआ, नहीं कोई मांग नहीं है, न मेरे पास कोई फोन आया है, न कोई कुछ सूचना। पुलिस उसमें पूरा सहयोग कर रही है, छानबीन कर रही है सभी जगह। क्या नाम था बच्चे का? विकास राठौर। ये 14 वर्ष का बालक है विकास राठौर, पिता जगदीश राठौर। इस पूरे प्रकरण में पिछले महीने की 27 तारीख को पुलिस ने 363 की FIR रजिस्टर की है, और इसमें कुछ फैक्ट सामने आए हैं जिसको पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है, और उसके लिए टीम्स लगाई गई हैं और प्रयास किया जा रहा है जल्दी से जल्दी बालक को दस्तयाब किया जाए। कुछ फिरौत देखिए, इसमें भी कई पहलू हैं, उसको पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, और जैसे आगे फैक्ट्स आएंगे वैसे आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ाई जाएगी। मुरैना से क्राइम इंडिया न्यूज़ के लिए गिरीश शर्मा की रिपोर्ट।